सुनाइए आपका जो असाइनमेंट है उसका आंसर की है. नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी. कॉन्ट्ररी इज उसका उल्टा. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजी का नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट. ये ठीक है. बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. ये कॉन्ट्ररी है. जब आप हाथ से लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करना ठीक है. नेम्स आर रिटन इन लैटिन ठीक है. तो ये इसका आंसर है. एक को दो के साथ आपको मैच करना है. ये आपका वो जो मैंने आपको बोला जब आप अपना बुक खोलेंगे वो टेबल खोलेंगे यू विल गेट योर आंसर. फैमिली इंसेक्टा ऑर्डर म्यूसिकिडे आर्थ्रोपोडा डिप्टेरा. देर इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बॉटनिकल गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. हर्बेरियम हाउस ऑफ ट्रायड ट्रस्ट एंड रिजर्व. ये आंसर है इसका. द एंटिटी इज साइंटिफिकली correctly named, correctly printed as per the international rules of nomenclature and correctly described. E. coli is Escherichia coli, तो बिल्कुल गलत है. Plasmodium. E. coli. Correctly named is this. मलेरिया कॉज करता है. कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो विल बी द मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ फैमिली. द एनिमल इज करेक्टली मैच विद अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. हेलो. सो इसका आंसर है डी. ठीक है. ये आपको टेबल है ना हमारे पास 1.1 वहाँ से. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वैसे तो ये होली सोली उन्होंने हल्का सा काटा हुआ बट मेरे को लगता है नीट में है तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. 7th का इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन मटेरियल बोथ ऑन सर्फेस एज वेल एज इंटरनली. एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक तो हमारा इंटरनल होता है एक्सटर्नल नहीं होता. ये भी याद रहेगा. परसेप्शन बी आंसर आएगा इसका. स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बायोसिस्टमैटिक में क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नो ये आएगा. बायोसिस्टमैटिक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखता है. तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आप इतने भी कर लो प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. ओके. ये हमने सब पढ़ा है हो जाना चाहिए. ठीक है. ओके. थैंक यू.